और इसमें हम हमारे सारे डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से इजी तरीके से फिनिश करेंगे। देखो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, किसी भी नंबर को आपको चेक करना है कि वो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11 इनमें से किसके टेबल पे आता है, आपको जस्ट ये चेक करना है। और इनकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, जस्ट आप देख के बता दोगे कि ये इतना बड़ा लार्जर नंबर इनमें से किस टेबल पे आ रहा है। सो वो ट्रिक स्टार्ट करें। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू, टू का क्या रूल है, देखो आप टू का टेबल लिखो पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 सबको आता होगा, मैंने थोड़ा सा आगे भी लिखा है 22, 24, 26, 28 एंड 30 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब क्या नोटिस कर रहे हो बच्चे, जो इसकी वंस प्लेस है वो सबकी सेम आ रही है। देखो ध्यान से देखना, इवन नंबर्स आ रहे हैं ओनली, वो भी जीरो तक, बस 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0 है ना। तो इट मीन्स ये हमारा क्या रूल बन गया बच्चे, किसी भी नंबर को आपने चेक करना है ना कि वो टू पे डिवाइड होगा या नहीं, उसकी वंस प्लेस पे चेक करो। का क्या चेक करोगे, वंस प्लेस। उस वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, इन फाइव में से कोई भी एक वर्ड होना चाहिए, कोई भी एक नंबर होना चाहिए। अगर होगा इट मीन्स वो आपकी जो स्टेटमेंट है, वो जो आपको जो नंबर है वो टू से डिविजिबल होगा। देखो एग्जाम्पल ली हुई है, देखो यहाँ पे 4, 4, 6, 6 इसकी वंस प्लेस क्या है, 6, ये तो हमारी मैच कर रही है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। हम चेक करके देखें, इसको वेरीफाई करके देखें, चलो 2, 2 is 4 minus, again 2, 2 is 4 minus 6, 2, 3 is 6, again 6, 2, 3 is 6, yes हमारे पास तो रिमाइंडर बचा नहीं, क्वेश्चन आ गया, इट मीन्स ये रूल काम कर गया। नेक्स्ट वन इज बच्चे 8, ये भी आएगा 2 पे। देखो हमें डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़नी, हमने एक बारी में बता दिया कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। नेक्स्ट वन इज 0, ये भी होएगा। नेक्स्ट वन इज 9, देखो 9 ओड नंबर है, इनमें तो 9 नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, इसको भी वेरीफाई करके देखें, क्या पता ये डिविजिबल हो, है ना, वेरीफाई करके देखते हैं। 2, 1 is 2, 3 minus 2, 1, 6, 2, 8 is 16, 9, 2, 4 is 8 रिमाइंडर बच गया, इट मीन्स ये डिविजिबल नहीं है, ये रूल हमारा ठीक है, ओड नंबर आ गया, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली बच्चे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आप कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हो, अगर उसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होएगा, अदरवाइज वो 2 से डिविजिबल नहीं होएगा। लेट्स कम टू नेक्स्ट, इट्स 4। देखो 2 multiply 2 क्या होता है, 4। 2 पे हम कौन सी प्लेस देख रहे थे, वंस, तो भी एक 2 और लग गया, इट मीन्स टेंस, इट मीन्स 4 का रूल क्या बन गया, वंस और टेंस दोनों प्लेसेस देखनी है। देखो दोबारा सुनो, कंफ्यूज हो गए होगे, वंस टेंस प्लेस मोथ बस्ट बी डिविजिबल बाय 4। 4 का क्या रूल है बच्चे, देखो वंस टेंस 100,000 ऐसे करते हो ना, तो वंस टेंस क्या है, 36। अगर 36 4 के टेबल पे आता है या 36 4 के टेबल से डिवाइड होता है, 0 आता है मतलब रिमाइंडर, तो आपका जो ये पूरा नंबर है 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। चेक करते हैं 36, 4, 9 is 36, इट मीन्स 36 4 के टेबल पे आता है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट एग्जांपल ली गई है बच्चे 2, 86, इसका वंस टेंस क्या है, 86 को डिवाइड करो, 4, 2 is 8, 6, 4, 1 is 4 रिमाइंडर बच गया, ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। आप कुछ बड़ा नंबर भी लेके देख सकते हो, लाइक ये लिया हमने, ठीक है, तो इसकी वंस टेंस क्या है, 40, इसको 40 को 4 से डिवाइड करो, 4, 1 is 4, 0, 4, 0 is 0 रिमाइंडर नहीं बचा, इट मीन्स ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट 4 से डिविजिबल है। इजी था 2 and 4 का। नेक्स्ट कम टू 8, देखो 2 into 2, 4 into 2, 8 इट मीन्स 2 की क्या थी, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100। इट मीन्स 8 का रूल क्या बन गया बच्चे, हमें इसमें 3 प्लेसेस देखनी है, कौन कौन सी, वंस टेंस एंड 100। अगर वंस टेंस एंड 100 वाली वैल्यू 8 से डिविजिबल है, इट मीन्स आपका पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, लेट्स चेक। देखो यहाँ है हमारे पास 9, 9, 4, 1, 6 इसकी वंस टेंस 100 क्या है, 4, 1, 6, 4, 1, 6 को 8 से डिवाइड करके देखो, 8, 5 is 40, 41 minus 41, 6, 8, 2 is 16 ये डिवाइड हो गया, इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखो 5, 1, 3 लिया है, 8, 6 is 48, 51 minus 48, 3, 3
नीचे ले आए हम 8 4 is 32 रिमाइंडर आ गया, इट मीन्स ये डिविजिबल नहीं है। अगर 5 1 3 डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं है। बिल्कुल ईजी था। 2 पे आपको वंस प्लेस चेक करनी है, 4 पे आपको वंस एंड टेंस दोनों चेक करनी है, 8 पे आपको वंस टेंस एंड 100 तीनों चेक करनी है। ठीक है, 2 पे वंस, वंस टेंस एंड 100। 2 पे भी आप अगर ये नंबर नहीं लर्न हो रहे इवन नंबर्स तो आप डिवाइड करके देख लो। सिंपली 2 को 6 से डिवाइड किया, यस 2 के टेबल पे आता है, 8 भी 2 के टेबल पे आता है, 0 भी 2 के टेबल पे आता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज बच्चे 3। अभी हम 3 करते हैं, 2 कर लिया, 3 पे चलते हैं। 3 का क्या रूल है बच्चे, जितने भी आपके पास नंबर हैं, आपको मान लो ये इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है 4 4 4 9 9 1, इसको चेक करना है 3 से डिवाइड होगा, यानी पहले आप इसको चेक करोगे, फिर आपका आंसर आएगा, फिर आप लिखोगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसका इजी तरीका है, आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर लो। ऐड कैसे करोगे, 4 + 4 + 4 + 9 + 9 + 1, इन सबको प्लस करके क्या आया, 31। तो 31 को आप 3 से डिवाइड करके देखो, 3 1 is 3, 1 रिमाइंडर, इट मीन्स इनकी एडिशन 3 से डिवाइड नहीं हुई, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 54 लिया हुआ है बच्चे, ऐड करेंगे, 3 का रूल क्या है, सभी नंबर्स को ऐड करो एंड उसको देखो, अगर वो एडिशन वाला जो आपका आंसर आया है वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। देखो 5 + 4 9, 3 3 is 9, इट मीन्स 9 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होएगा। इजी था 3 का। दोबारा देखो, सम द डिजिट्स, डिजिट्स का सम करो, इफ़ द सम इज डिविजिबल बाय 3, अगर सम करके जो आंसर आया वो 3 से डिविजिबल है तो आपका नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज बच्चे 9, 3 3 इज 9, सेम रूल आप लगाओगे 9 पे, आप सम करो, क्या कर रहे थे, जो सम था उसका आंसर अगर डिविजिबल बाय 3 है तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली अब आप 9 में क्या करोगे बच्चे, सम करो, अगर वो आपका सम डिविजिबल बाय 9 है तो आपका वो क्वेश्चन भी नंबर भी डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। बिल्कुल सेम है, देखो 5 5 4 5 + 5 + 4, ये क्या आ गया, 14। 9 के टेबल में 14 आता है, नो इनका एडिशन नहीं ऐड डिवाइड हो रहा 9 से, तो ये नंबर भी नहीं डिवाइड होएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 7 3 5 1 2, ऐड करो, 7 + 3 10, 10 + 5 15 15 + 1 16, 16 + 2 18, 9 के टेबल में 18 आता है, मतलब 9 18 से डिवाइड होता है, यस, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। वेरी इजी। लेट्स कम टू नेक्स्ट, इट्स 5 and 10, बिल्कुल सिंपल है। देखो 5 का टेबल लिखो यहाँ पे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 and 50, इसके भी वंस प्लेस एनालाइज करो, 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0, राइट। तो इट मींस जब आपकी वंस प्लेस पे 5 या 0 आएगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। देखो इसके वंस प्लेस पे क्या है, 0, इट इज डिविजिबल, चेक करके देखें, देखते हैं, चलो 5 5 6 is 30, 2 - 0 2 0, 5 4 is 20 0 5 0 is 0, तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, नो रिमाइंडर, इट मीन्स ये डिविजिबल है। नेक्स्ट इज बच्चे फिर 5 आ गया, डिविजिबल है, इट्स 3, हमें क्या चाहिए, 5 या 0, 3 5 से डिविजिबल नहीं होएगा, इट मीन्स 63 भी 5 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 10, 10 का तो टेबल सबको आता है, 10 20 30 40 50 60, इट मीन्स वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, ओनली 0। तो जब आपके क्वेश्चन के वंस प्लेस पे 0 होएगी तो आपका वो नंबर 10 से डिविजिबल होएगा। देखो 0, यस 0, यस 5, नो, बट ये 5 से होएगा, है ना, तो हमें 10 का चेक करना है, 2, नो, इजी था। नेक्स्ट कम टू 6, ध्यान से सुनना 6 का। देखो 6 के फैक्टर्स क्या है, हमने फैक्टर्स कल इंट्रोडक्शन में देखे थे, फैक्टर्स क्या होते हैं कि किस किस के टेबल पे 6 आता है, 1, ठीक है, 2 3 and 6, इनके टेबल पे ही आता है ना। अभी हमें पता है 1 एंड इटसेल्फ तो हर एक के आता है, तो इनको छोड़ दो, क्या बचा, 2 and 3। इट मीन्स जब आप किसी भी नंबर पे 2 और 3 का रूल लगाओगे और दोनों लगेंगे तो आपका वो नंबर 6 से डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है। देखो यहाँ एग्जाम्पल ली गई है 18, 2 का क्या रूल था बच्चे, वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर, 8 इज इवन, तो 2 का तो रूल लग गया। 3 का क्या रूल था, प्लस करो, 1 + 8 क्या आ गया, 9,
थ्री के टेबल में नाइन आता है, यस आता है, ये दोनों रूल लग गए, इट मीन्स ये सिक्स से भी डिविजिबल हो जाएगा, 18 सिक्स से भी डिविजिबल हो जाएगा। अभी थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, देखो 5974, पहले टू का चेक करो, टू का रूल क्या है, वंस प्लेस पे इवन, यस टू से डिविजिबल है, थ्री का रूल करो, ऐड करो, 5 + 9 + 7 + 4 क्या आ गया, 25, थ्री के टेबल पे तो 25 आता ही नहीं है, इट मीन्स ये थ्री से डिविजिबल नहीं है। अब इन दोनों में से एक में नहीं हुआ तो इट मीन्स ये सिक्स से भी डिविजिबल नहीं होएगा। ईजी था, बस आपको टू और थ्री दोनों का रूल लेना है, अगर दोनों पे जाता है वो नंबर तो सिक्स पे भी जाएगा, अगर दोनों में से एक पे भी नहीं जा रहा तो वो सिक्स पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। लेट्स कम टू अवर लास्ट रूल, दैट इज 11, ध्यान से सुनना, ये सबसे अलग है। इसमें क्या करना बच्चे, आपको डिफरेंस करना होगा डिजिट्स का। देखो आपको पता है डिजिट्स की प्लेस वैल्यू होती है ना, ये कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4, आपको क्या करना है, ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस कौन सी होगी, दिस वन एंड दिस वन, इनको ऐड करके इवन प्लेसेस में से माइनस कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से, ऑड प्लेसेस पे क्या है, 5 and 8, 5 + 8 क्या आ गया, 13, इवन प्लेसेस पे क्या है, 0 and 1, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया, 1, माइनस करो 12, 12 11 के टेबल पे आता है, नो, इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 5081 11 से डिवाइडेड नहीं है। नेक्स्ट एक बार दोबारा देखो, ध्यान से सुनो, कुछ भी नहीं करना, जस्ट ओड प्लेसेस को, ये जितनी भी आपके ओड प्लेसेस है इनके सम को इवन प्लेसेस के सम से माइनस कर दो। देखो 6 + 8 + 9, ठीक है, 23, माइनस किससे करोगे, इवन प्लेसेस, इवन क्या है, 1 and 0, 1 + 0 1, 22, 11 के टेबल पे 22 आता है, देखो डिवाइड करके देखो आता है, यस, इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 6 1 8 0 9 11 से डिविजिबल है। समझ आया, सबके रूल्स कर लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो 2 पे आपको देखना वंस प्लेस, 4 पे आपको देखना वंस एंड टेंस दोनों, इस पे आपको देखना वंस टेंस एंड 100, 3 का क्या रूल है, ऐड करो 3 से डिवाइड करके देखो, 9 का भी बच्चे सेम रूल है, ऐड करो एंड 3 से डिवाइड करके देखो, 5 के लिए आपको वंस प्लेस पे चाहिए 5 and 0, 10 के लिए आपको वंस प्लेस पे चाहिए ओनली 10, 6 के लिए आपको 2 and 3 दोनों का रूल देखना है, एंड 11 के लिए ओड प्लेसेस को ऐड करो, उनको इवन प्लेसेस में से माइनस कर दो। इस तरह से आप किसी भी नंबर को बता सकते हो कि वो 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड 11